बर्बाद हो जाएंगे हम लोग बर्बाद। लोगों आगे निकाल, आज अंदर फंसे हुए अल्लाह के लिए निकालो। हमारी दुकान आप शॉप जाके देखो, बिल्कुल जीरो हो गई है। हम देने वाले थे, आज खड़े हो गए यहाँ पर। आते तस्वीरें उतार के चले जाते हैं, कोई वो नहीं है कि हम ये करेंगे। आज चौथा दिन हो गया, ये चार दिन में किसी किस्म का कोई भी काम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम इंडियन डिस्कवर के साथ, मैं हूं मुजम्मिल। तो भाई आज फिर हम मौजूद है अर्शी शॉपिंग मॉल, जो कि आयशा मंदिर पे तीन दिन पहले यहां पे आग लगी थी और इसकी अपडेट आपको हमने एक दिन पहले यहां पे वीडियो में आपको नजर आ गई होगी। लेकिन आज हमारे यहां मौजूद होने का मकसद ये कि भाई यहां के दुकानदारों से पता करें कि हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से इनको क्या सहूलियात दी गई है, इनको यहाँ सामान निकालने की इजाज़त दी गई है, नहीं दी गई है, रिहायशों को यहाँ पे रहने की इजाज़त दी गई है या नहीं दी गई है। तो ये सब इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप जान सकेंगे भाई यहाँ की मार्केट की अपडेट अब क्या है। और वीडियो फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनकी अबाया की शॉप थी, फसी भाई नाम है। फसी भाई कैसे हैं आप? भाई आपकी दुकान जो थी, आपने भी वीडियो मुझे दिखाई है कि उसके अंदर तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है, तो अब आप ये हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं और आप क्या मतलब आगे कहते हैं? अच्छा भाई देखें, दुकान तो पूरी चल गई है, कुछ भी बचा तो अगर तो ऐसी कोई सूरत हाल बना ली जाए कि इसको थोड़ा सा इस आश्रय में खड़ा कर दिया जाए कि हम लोग शुरू कर लेगा। हम लोग को ऐसे गिरे पड़े लोग नहीं है कि हम शुरू नहीं कर सकते, हम अपना कारोबार दोबारा खड़ा कर लेंगे, जीरो से आ गए हैं, दोबारा खड़ा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट इतना कर दे कि हम लोग अपने दोबारा पर पैरों पर खड़े हो जाए। ऑनलाइन का दौर है हमारा, ऑनलाइन अलहमदिल्ला काम था। आप लोगों को अगर शॉपिंग अभी भी करनी है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। हमारी वेबसाइट है fashionsense.com.tk, आप लोग वहाँ जाके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त भी वेबसाइट में सारे आर्टिकल मौजूद हैं, आप सपोर्ट करें, आपको इंशाल्लाह आपके ऑर्डर रिप्लेस किए जाएंगे। तो इस सब ज्यादा जितने लोग हैं यहाँ पे ऑनलाइन काम भी करते थे और रिटेल भी चलाते थे, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमें भी सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे भी इसका हाईलाइट किया जाए कि अर्शी शॉपिंग सेंटर फायर के नाम से और ट्रेंड किया जाए इसको, और गवर्नमेंट को चाहिए कुछ नजरसानी इस पे कर ली। अभी अपडेट क्या है मार्केट की, मतलब कि जो नुकसान हुए हैं उसकी उसका जो है भरपाई जो है हुकूमत ने कहा है इंतजामी निगम भरेंगे या क्या है ऐसा कुछ? यार देखिए, बातें बहुत होती हैं, लोग आते हैं तस्वीरें खिंचवाते हैं, जितने बहुत से सब सियासतदान आके चले गए हैं, लेकिन अभी तक जो मुझे पता है कि मुझे नहीं लगता कि होगा, ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, अगर हो जाए तो कह दीजिएगा पसी तुमने झूठ बोला, ठीक है, तो मैं झूठा साबित भी हो जाऊंगा अगर ये हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज से 70 साल से हम भी 25 साल से यहाँ रह रहे हैं कराची के अंदर, हमने बहुत सी मार्केटें जलती भी देखी हैं, बहुत सी खड़ी होती भी देखी हैं, सिवाय कोऑपरेटिव मार्केट की कोई मार्केट बनती हुई हमने नहीं देखी, ठीक है, ऐसा ही आप एग्री करेंगे मेरी बात। तो गुजारिश है कि इस पर कोई नजरसानी कर ली जाए, सारे पाकिस्तान की मेन हाईवे की मार्केट है, तो उस पर अगर नजरसानी हो जाएगी तो बहुत दिनायत हो जाएगी। रिहायशी जो अपार्टमेंट है ऊपर की तरफ, ये दो पोर्शन में, एक मेन रोड पे है जो कि मेरे ख्याल से पूरा मुकम्मल जो है मत चल चुका है, दूसरा वाला थोड़ा सेफ है, तो वहाँ की रिहायशियों को जो इजाजत दे दी गई रहने की या नहीं? जी, रिहायशियों को इजाजत मिल गई है, लेकिन उसकी सूरत यह है कि जब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो रिहायशी आके करेंगे क्या? वो तो बेकार है उसके लिए वो फ्लैट, तो फिलहाल वो अपने वो जो है रिलेटिव्स के वो चले गए, ठीक है, सही सूरत ये है सीरीज। अच्छा, फिलहाल अंदर मार्केट में तो कुछ भी नहीं बचा, सब जगह हमें लग रहा था कि मार्केट में कुछ बचा हुआ है, लेकिन अभी जो टीम्स अंदर गई हैं और हम लोग गए अंदर, तो अंदर मार्केट में सब जल गया, जिस दुकान में आग नहीं भी लगी है ना, वहाँ पे भी पिघल गया सब कुछ। ये मैंने आपकी वीडियो दिखाई, आप शेयर कीजिएगा बिफोर एंड आफ्टर की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ। आपकी अपनी दुकान जो अबाया की दुकान थी, उसकी सूरत हाल क्या थी? आप अंदर गए, आपने क्या देखा? अच्छा, मेरी तीन दुकानें थी, एक वर्कशॉप था, एक गोदाम था और एक जो डिस्प्ले था। इसी मार्केट में? जी बिल्कुल इसी मार्केट में, सब कुछ तबाह हो गया। एक गोदाम था, उसके अंदर पूरी आग लग गई, उस गोदाम के जो गरमाइश थी, उस गरमाइश से पूरा शोरूम जल गया और सामने जो है वर्कशॉप भी पूरा जल गया। अब शोरूम के अंदर आग नहीं लगी, लेकिन यह है कि शोरूम की गरमाइश, गर्म इतना था शोरूम कि सब कुछ पिघल के नीचे आ गया। मैं शेयर करूंगा तो आप उसको अटैच कर दिएगा। अच्छा, जो जो अमवात हुई, जो लोग शहीद हुए, वो सिर्फ मार्केट के थे या अपार्टमेंट में से भी कोई थे? नहीं, सिर्फ ज्यादातर मार्केट के थे, एक कस्टमर था जो कि वो नहीं था, और बाकी सब मार्केट के ऊपर फोर्ट फ्लोर के था, उसमें भी ज्यादातर वो लोग थे जो जिन्होंने वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, या वो एनीथिंग जो भी हुआ, जो लेट निकले या जिन्होंने माल बचाने की कोशिश करी, वो उनकी डेथ हुई है, जो वक्त पे निकला है इमरजेंसी गेट से, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। और अभी इंतजामिया की तरफ से आपको इस बात की कोई इजाजत दी गई है कि आप दुकान में जाके सामान निकाल लें? जी, आज तीसरे चौथे दिन के बाद, एहतजाज के बाद, बहुत सी चीजें करने के बाद आज इजाजत मिली, आज लिस्टें बनी है, अभी नीचे की दुकानों के जो सामान है वो खाली हो रहा है, फिर उसके बाद ऊपर की इजाजत मिलेगी, ऊपर जाके। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक दुकानदार, तो भाई से बात करते हैं। भाईजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सानिया हुआ है, आप जो बताएंगे आपका इसमें क्या नुकसान हुआ और आपका क्या हुकूमत से मुतालबा है? भाई नुकसान तो यह है, 16-17 साल से हमारी शॉप थी यहाँ पर,
सारी हमें समझ लो जिंदगी यहाँ पर लगाई है, सारा अपना फ्यूचर यहाँ पर यहाँ से हमने बनाया है, कोशिश की, सब कुछ किया, बीवी बच्चे हमारा सब कुछ है यहाँ पर, सारा सरमाया हमने यहाँ का उरूज जवाल सब देखा है। बहरहाल ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, ये हुकूमत से यही मुतालबा हमारा है, कम से कम जो होने वाली चीज़ थी अल्लाह की तरफ से हो चुकी। बहरहाल हमारा मुतालबा हुकूमत से यही है कि इस मार्केट को रिपेयर करवाया जाए, बनवाया जाए, दिखाया जाए और दुकानों को बना के हमें दिया जाए और इतना अमाउंट हमें दिया जाए कम से कम, इन्हें हम वापस अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हमारी दुकान आप शॉप जाके देखो बिल्कुल जीरो हो गई है, हम देने वाले थे आज खड़े हो गए यहाँ पर। आपका इस मार्केट की वजह से तकरीबन क्या कहते कितना नुकसान हुआ है, 80% 100% कितना नुकसान? 100% जीरो हो गया है हमारे इसके अंदर। मेरे अलहमदुल्ला कमेटी वगैरह का भी मेरा काम था, कमेटियाँ चलाता था, लोगों को पेमेंट देता था, पता लगाओगे पेमेंटें होती थी, ये सब कैश दुकान में मौजूद होता था, जेवर वगैरह भी इसके अंदर था, बच्चियों के नसीब पर रखा हुआ था, आगे पीछे शिफ्टिंग कर रहे थे, ये सब हो गया। आपकी अभी इंतजामिया आपको अंदर जाने के लिए सामान निकालने को इजाजत वगैरह दे रही है? सामान निकालने की अभी आप कचरा ही उठा के आएंगे, सामान क्या मिलेगा उस पर, मगर हो गए हम जीरो। ये हमारे भाई हैं, उन्होंने बोला कि भाई चलो बुरादा ही उठा लेते हैं, कुछ अल्लाह ने चाहा, कुछ उसमें नसीब में लिखा होगा तो निकल आएगा। 100% जीरो की उम्मीद है यहाँ से, बिल्कुल जीरो हो गया। आप खुद देखें सब जीरो हो चुका है, मतलब इतना मुतालबा है कि आप हमारे को दुकान रिपेयर करके इतना अमाउंट दिया जाए हम वापस अपने पैरों पे खड़े हो गए। दोबारा कोई नहीं मांगेगा आपसे, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम लोगों के आगे मांगने बेहतर है, हुकूमत का मुतालबा, हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हमारा ये थोड़ा सा जो इल्जाम लगाए जाने के फायर ब्रिगेड देर से आई थी, ये देर से आया था, इस बारे में आपका क्या कहना है? अरे ये फायर ब्रिगेड देर से आई थी तो मैं तो समझता हूँ देर, बराबर गली में थोड़ी खड़ी थी, हर दुकान के आगे फायर ब्रिगेड खड़ी भी नहीं होती, ये फोन करोगे तो कॉल करके फौरन निकलते हैं, आने जाने का रास्ता टाइमिंग लगती है 5-10 मिनट तो लगती है, ऐसी बात नहीं है, हर ये इल्जाम ठोकना बेकार वाली बात है मेरे हिसाब से। तो हमारे साथ यहाँ की मौजूद है बिल्कुल मार्केट के सामने रिहायशी मकीन यहाँ पे ही है, बस ये मतलब आप ये बताएं कि अब क्या अपडेट है, इंतजामिया ने क्या इजाजत दी है, दुकानदारों को क्या इजाजत है और रहने वालों को क्या इजाजत दी है? रहने वालों के लिए तो बड़ा अच्छा काम किया, जब पाकिस्तान के यहाँ बैठे थे मैंने ये कह रहा कि रात भर जो बेचारे खटकते रहते सर्दी के अंदर, क्योंकि पानी की शिद्दत से पूरा ठंडा हो गया था, आग और गर्मी दोनों थी, रात भर तो बेचारे वहाँ बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन नहीं गुजारा, हमारे फ्लैट के अंदर आगे कुछ लोग रेस्ट पर हुआ है, हम लोगों ने अपने फ्लैट खोल लिए थे ताकि वो लोग जो है परेशान ना हो, जितने भी लेडीज थी वो आ गई थी बहुत सारी, वॉशरूम वगैरह हमने नीचे खोल लिए थे। उसके बाद ये हुआ कि दूसरे दिन जाके रात में उन्होंने अब अलाउ करा, जो कि यहाँ के रहायशी होंगे लोग, जो कि फ्लैट आप देख रहे होंगे कि फ्लैट ऊपर के रहायशी जो है वो तकरीबन आ चुके हैं, और जो नीचे के रहायशी जिनके फ्लैट कुछ जले हैं, जो अगर आप देखें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जले और फर्स्ट फ्लोर के ज़्यादा जले, तो वो बेचारे अभी तक रहने के लायक ही नहीं, क्योंकि उनका घर काबिल नहीं। अपार्टमेंट का जो ये वाला हिस्सा जो मेन रोड की तरफ है ये तो पूरा झुलस गया है, अंदर से मतलब समझिए कि पंखे की जगह सिर्फ पंखा रह गया है, उनकी जो पंखड़ी होती है वो खत्म हो चुकी है, अलमारियाँ जल गई, डॉक्यूमेंट हमारे जानने वाले हैं काशी मेडिकल साहब वाले, इनके डॉक्यूमेंट जो घर के थे वो भी जल चुके हैं, उनके टोटल डॉक्यूमेंट जल चुके हैं, वो बेचारा रो रहे थे सर पकड़ के अपना। कुछ दुकानदार जो हैं बेचारे अपने जो बचे कुछ जो मामलात हैं उनको लेके वो यहाँ से कहीं ना कहीं स्विच होने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये कॉस्मेटिक की दुकान दी है, ये हजरात अपने ही जो है मदद के तहत जो है निकाल के सामान जो है यहाँ से खुद ही निकाल रहे हैं। ये आपकी दुकान दी है कॉस्मेटिक की? कॉस्मेटिक समझो आपकी, ये आपके सामने ही है, सारे मामला आपके सामने ही है, सारा माल हो गया कचरा, ये समझो कि हमारी मार्केट लावारिस है, यहाँ पर कोई हमने कोई भी आता है तस्वीर खींच के जाता है और कुछ भी नहीं, यानी कि कहते हैं ना कि कोई काम करके जा रहे हैं, कोई असल काम करके जा रहे हैं कि हमारा कुछ फायदा हो, हमारा किसी किस्म का फायदा कुछ भी नहीं है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं और परेशान किया जा रहा है। हुकूमत से आपका मुतालबा नेक्स्ट क्या है, क्या क्या मुतालबा है? किसी किस्म का कुछ भी नहीं है, समझे, वो आते हैं तस्वीरें उतार के चले जाते हैं, कोई वो नहीं है कि हम ये करेंगे। आज चौथा दिन हो गया, ये 4 दिन में किसी किस्म का कोई भी काम नहीं हुआ, हमने बस दिलासा दे के जा रहे हैं, ये होगा वो होगा, मगर बस कुछ भी नहीं हो रहा, हमने और दुकानदार वैसे ही परेशान है और परेशान किया जा रहा है। ये देखे ना, अगर माल भी है, ये देखे माल क्या हुआ है, माल अरे ये तो किसी काम का भी नहीं, यहाँ से ले आने के भी किसी काम का नहीं है। बस घर पे जाके देखेंगे कि सूरत हाल क्या है क्या नहीं है। मेरी शॉप थी बेटा, शॉप थी आपकी? हाँ, मेरी बंद थी लेकिन सामान था तो। और बेटा ये है कि मैं बेवा हूँ, तो मैं हुकूमत से ये चाहती हूँ अपने भाइयों से कि वो मेरी शॉप बना के दे, मेरे माँ बाप भी नहीं, मेरा शौहर मरे हुए काफी साल हो, मैं एक शरीफ औरत हूँ, मेरी रोजी रोटी की दुकान थी, मैं अब चल रही थी कि बच्चा मेरा बड़ा है, जो हमारा बेटा वो थोड़ा बीमार था, मैंने आप सोचा था कि मैं कुछ कर लूँ,
तो भाई इन दो भाइयों को इजाजत दी गई थी कि भाई दुकान में जाके जो हो सकता है निकाल के लें, तो फिर अंदर से ये आए वापसी हाथ दिखाइएगा भाई इधर अपने, ये देखें जी ये सूरत हाल है जो ये सामान निकालने गए थे। तो भाई क्या आपको रिकवर हुआ? भाई पूरी दुकान खाक तर हो गई है, कोई एक रुपए का सामान नहीं है। पुरानी मेरे पास जो बनी हुई वीडियो है इसके अंदर जितना माल था जितनी चीजें थी, मेरा बेसिकली कमेटी वमेटी का भी हिसाब किताब चलता रहता है, वो कैश वगैरह भाई मेरे पास पेमेंट थी, बच्ची के नसीब पास जेवर वेवर भी था मेरे पास, बरल साहब खाकतर हो गया। ये मेरे भाई सुरार है, ये इसको स्पेशल मैंने उनको भी खास से बुलाया कि ये इन्हें ताकि इन्हें देख सके और कुछ निकाल सके। इन्होंने भी देख के बताया कि अब तुम्हारा कुछ इसमें पुरसान हाल नहीं है, कुछ निकल नहीं पाएगा, अब अपने आप को खपाना और जान को जख्मी करने वाली बात है। बहरहाल हमने एक रुपया एक टिक्का तक भी यहाँ से रिकवर नहीं किया और ना कुछ हुआ है। हम हुकूमत से यही मुतालबा है, हुकूमत से यही मुतालबा है, बहरहाल हमारी जमा पूंजी थी, ये सारी मेहनत की कमाई थी, बहरहाल ये नागानी आफत आ चुकी है। अब इसमें हमें इतना हो जाए कि मार्केट को रिपेयर करवा के दुकान को बनाया जाए और हमको इन्हें इतनी अमाउंट दी जाए कम से कम दोबारा हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब निसाब थे, लोगों को देने वालों में थे, आज ये नागानी आफत की वजह से ये सब जीरो हो गया। हमसे यही मुतालबा है, थोड़ी नजरसानी की जाए, हुकूमत से इदारों से अपील है बस। आप अंदर गए थे, आपने सूरत हाल अंदर की क्या देखी? अंदर की बिल्कुल सूरत हाल खराब देखी, बिल्कुल कोई भी चीज हाथ आने वाली नहीं थी, वो सारा काला काला हो गया है, वो कोई भी चीज में हाथ डालने तो हाथ कट रहे हैं, ये अभी जमे भी जख्मी हो गया। और मेरे भाई ने कहा कि भाई बेकार की बात है, वो गारमेंट्स का काम है भाई, पाक गारमेंट्स नाम था दुकान का, और ये सब कुछ जल के राख हो गया। अभी भाई कह रहा है कि अब हाथ नहीं डालो, बस अब अल्लाह का हुक्म समझो, चले जाओ घर, अब सब्र करके हम खाली हाथ जा रहे हैं अल्लाह के पास। रुपए की रिकवरी, कोई चीज नहीं रिकवरी नहीं हुई है। अभी हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमको बना के दुकान दी जाए और कुछ खिदमत की जाए कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो आपको वीडियो दिखाई और आपको जो है यहाँ के रिहायशियों की और यहाँ के दुकानदारों की आपको बातें बताई गई कि भाई उनके हालात क्या है, उनके मुतालबात क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं भाई इंतजामिया की तरफ से इनको इजाज़त दी गई कि भाई जो दुकानदार अपना सामान निकाल सकते हो तो निकाले, लेकिन बात यह है कि भाई बचा क्या है, इसमें रहा क्या है जो वो निकालें, लेकिन फिर भी कोशिश करके दुकानदार थोड़ी मोटी जो चीज़ें बच सकती हैं वो फिर भी कोशिश करके निकाल रहे हैं। रिहायशी परेशान है, लेकिन रिहायशियों के लिए एक छोटी सी इंतजामिया ने सहूलत जो है वो दे दी गई है कि रिहायशियों को पिछले अपार्टमेंट के जो पिछला पोर्शन है अपार्टमेंट का अच्छी का वहाँ पे ज़्यादा दे दी गई है, क्योंकि वहाँ पे वो जो अपार्टमेंट की साइड है वो इतनी ज़्यादा जो है मुतासर नहीं हुई है। फ्रंट वाली साइड जो अच्छी मॉल की थी ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, इसलिए यहाँ के रिहायशियों को भी सही तरीके से जो है वो रिहायश की इजाज़त नहीं दी गई है। अच्छा दूसरी चीज़ थी कि भाई यहाँ पे हमारे दुकानदारों से बात हुई जो कि बहुत इन्होंने अलग अलग बातें बताई, कोई बोलने के रात में यहाँ पे चोरी हुई थी, कुछ लोग यहाँ घुस गए थे और बहुत से मामला हुए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम जो है ना भाई वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो भाई इतना पीछे देख सकते हैं हर दुकानदार जो है भाई जो कुछ बचा है और जो कुछ बचा है ना वो भी जला हुआ है, किसी का पैसा जल गया, कितने दुकानदारों के तो कैश जल गए, किसी के 2.5 लाख एक दुकान में रखे हुए थे जिसके पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो 1000 रुपये के 2 नोट लेके निकला था, उसने बताया कि भाई मैं सिर्फ ये 2 नोट बचे, बाकी पूरे के पूरे पैसे मेरे जल के राख हो चुके हैं। तो वीडियो को भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।